हरियाणा सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अब एसटेट लाइफ टाइम वैलिड हो गया है, जिससे हरियाणा में एसटेट पास कर चुके अभ्यर्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं टीजीटी भर्ती के ज्वाइनिंग को लेकर युवाओं ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया है। कपिल सरोही कैथल से ही है सर। एक मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि एसटेट लाइफ टाइम कर दिया, कैसा देखते हो इस योजना को? देखिए अभी अभी जो नायब सैनी जी ने मोर्चा संभाला है जी, तो ये मानो कि युवाओं का एक हौसला बढ़ा है जी। और पिच आते ही नायब सैनी जी ने एक बात कही थी कि 50,000 युवाओं को मैं रोजगार दूंगा जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि युवा होने के नाते कि आज की 50,000 नहीं, ये नहीं पता कि वो 1,00,000 तक का आंकड़ा पार करते हैं। और जो टीजीडी का उन्होंने इमीडिएट रिजल्ट दिया है, 7,000 प्लस लोगों को रोजगार दिया है, हम नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो अभी एस्टेट का काम किया है, अभी पीछे चल रहा था कि पेपर लीक हो गया, जो ये मैनुअल तरीके थे सारे के सारे, ये समझ लो उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो ये ऑनलाइन काम किया गया है सीसीटीवी के अंदर, हम बार बार कहेंगे कि नायब सैनी जी जैसा सीएम और एक योगी जी जैसा सीएम अगर पूरे देश के हर स्टेट के अंदर हो, तो ना कोई रोजगार की कमी होगी, किसी भी प्रकार की युवा को कोई कमी नहीं होगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नायब सैनी जी का। मुख्यमंत्री जी ने यह चुनाव में वादा किया था करनाल विधानसभा से, जब मुख्यमंत्री जी उपचुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ के कुछ ग्रेजुएशन बच्चों ने एक अपनी मांग टेकी थी, उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी ला दी है। जैसे एसटेट होता था ये 7 साल के लिए वैलिड होता था, विपक्ष की सरकारों में ये 7 साल तक वैलिड होता था, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं जैसे एसटेट है, अगर एक बार बच्चा पास कर देता है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ चलेगा। मैं इसके लिए युवाओं की तरफ से और पूरे हरियाणा के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत बड़ी घोषणा है, जितनी सीएम साहब की प्रशंसा की जाए उतनी कम। एक टीजीटी अध्यापक लगे हैं, कैसा देखते हो टीजीटी? और जो ये टीजीटी अध्यापक, हमने एक सम्मेलन भी देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब सम्मेलन बुलाया था, उनको अपना प्रमाण पत्र दे के ड्यूटी ज्वाइनिंग कराई है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे चंदाना गेट से भी गरीब घरों से 5 बच्चे, जो पहले की सरकार थी नाम किसी का लेके गए, गड्डी किसी की कर ली और नाम किसी का दे आए, जो पर्ची खर्ची का सिस्टम था, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे एरिया से लगे हैं, हमारे चंदाना गेट से लगे हैं, सर्व जातियाँ लगे हैं, सब जातों से इसमें हिस्सा है, इसमें कोई जाति नहीं है भाई, कोई सैनी मुख्यमंत्री बन गया सैनी लगागा, तो सर्व जातियाँ लगे हैं। जो बच्चा पढ़ा है उसने कहीं भी किसी पार्षद के पास जाने की जरूरत नहीं है, विधायक जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सांसद जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चा के नंबर बनेंगे, मेरिट बनेंगी, हमारे एरिया से भी 5 बच्चे लगे हैं, मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, जो एस्टेट लाइफ टाइम किया है, इससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से मतलब धन्यवाद करता हूँ, जो ये सराहनीय कदम उठाया है। इसके लिए बार बार मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो टीजीटी अध्यापक लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची सरकार दे रही है, कैसा देखते हो भाई? ये बहुत अच्छी है जी, बिना खर्ची बिना पर्ची, जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनको मतलब अपनी काबिलियत के उस पर अपने बलबूते पर नौकरी मिल रही है। पहले जैसे कांग्रेस सरकार थी इसमें पैसे पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, पैसे दे के नौकरी मिलती थी, लेकिन अब इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना मतलब अपनी मेहनत करके ही बच्चे पास हो रहे हैं और नौकरी लग रही है।